बिहार के बेतिया में घर छोड़कर एक लड़की ने अपनी प्रेमी से शादी कर ली। उससे जैसे ही यह कदम उठाया तो उसके परिवार वालों ने अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत थाने में दर्ज करा दी। मुखिया की पुत्री का अपहरण की खबर सामने आई तो इधर लड़की ने भी वीडियो जारी का बयान दिया कि उसकी कोई किडनैपिंग नहीं हुई है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला बेतिया के नवलपुर थाना क्षेत्र का है। लड़की वर्तमान मुखिया की बेटी है। परिवार की ओर से अपहरण के मामले में 8 लोगों की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। लड़की ने जारी किए गए वीडियो में यह कहा है कि उसका कोई अपहरण नहीं हुआ है। वह रंजन कुमार से 4 वर्षों से प्रेम करती है, वहीं खुद रंजन को लेकर भागी है। वीडियो में लड़की ने अपना नाम मधुबाला बताया है। उसने आगे कहा है कि उसके परिवार के लोगों ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। लड़की की मां नवलपुर थाने में लिखी शिकायत में कहा है कि 31 अगस्त की शाम उनकी नाबालिग पुत्री अपने घर के बगल में शौच करने के लिए गई थी। पहले से घात लगाए 8 लोगों की मिली भगत से रंजन कुमार ने उनकी लड़की का शादी की नीयत से अपहरण कर लिया। बता दें कि FIR में लड़की को नाबालिग बताया जा रहा है, जबकि वीडियो में लड़की ने अपनी उम्र 21 वर्ष बताई है। इस मामले में नवलपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि लड़की के अपहरण की शिकायत उसकी मां ने की है। पुलिस ने FIR दर्ज की है। इस बीच लड़की ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बनाकर वायरल किया है। मैं मधुबाला कुमारी, पिता संतोष राम, उम्र 21 वर्ष, ग्राम पोस्ट थाना नवलपुर, जिला पश्चिमी चंपारण की निवासी हूँ। मैं 4 सालों से प्यार करती हूँ, जिनका नाम रंजन कुमार, उम्र 23 वर्ष, पिता सुनील प्रसाद कुशवाहा है, ग्राम पोस्ट चंद्रहार पलिया, थाना भथवरिया। मैं अपनी मर्जी से भागकर शादी की हूँ। मेरी मम्मी पापा ने जो केस किए हैं वो झूठ है, जबकि मैं अपने घर नहीं मामा जी के घर के पर थी।